नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आयु ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, लोग बात करने वाले हैं पेटीएम पोस्टपेड ऐप के बारे में। तो अगर आप लोगों के पास पेटीएम पोस्टपेड है तो आप लोग पेटीएम पोस्टपेड को ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। तो आप सभी लोगों को दोस्तों बता दूं, पेटीएम वालों ने अपने पेटीएम पोस्टपेड के लिए दोस्तों नए चार्जेस जो हैं वो लगाना चालू कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर जो है दोस्तों दिख रहा होगा, पेटीएम पोस्टपेड पर नए चार्जेस लगना चालू हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरा डिस्कशन में करके बताने वाला हूँ कि पेटीएम पोस्टपेड पर कितने चार्जेस लगने वाले हैं और किसको लगने वाले हैं, पूरा आपको एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, पेटीएम पोस्टपेड ऑल पेमेंट्स MDR 1.99%, यानी लगभग 2% पेटीएम पोस्टपेड वालों ने चार्जेस लगाना चालू कर दिए हैं। और जो भी चार्जेस लगेंगे उस पर दोस्तों प्लस GST अलग से पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चार्जेस हैं दोस्तों, ये लगाए गए हैं पेटीएम वालों के मर्चेंट को। यानी दोस्तों मान लीजिए मैं पेटीएम का मर्चेंट हूँ, अगर कोई भी कस्टमर दोस्तों मेरे को पेमेंट करता है तो मुझे यहाँ पर 2% जो भी अमाउंट है उसका 2% प्लस दोस्तों उस अमाउंट पे GST जो है वो दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड वालों को पे करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कल मैंने अपने कस्टमर से 829 रुपये की दोस्तों पेमेंट जो थी वो ली थी। अब 829 रुपये की दोस्तों जब पेमेंट ली, तो जब यहाँ पर दोस्तों सेटलमेंट करी, तो सेटलमेंट करते टाइम दोस्तों 824 रुपये 35 पैसे ही अकाउंट में सेटलमेंट जो है की गई। अब मैंने देखा कि पेमेंट तो 829 रुपये आई है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा इन लोगों ने चार्ट बना के दे रखा है कि पेमेंट चार्जेस। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड चार्जेस 4 रुपये 65 पैसे, यानी कि 829 रुपये की ट्रांजेक्शन के ऊपर 4 रुपये 65 पैसे दोस्तों यहाँ पर टोटल चार्जेस जो थे वो काटे गए थे। यानी कि दोस्तों अब मर्चेंट्स को पेटीएम पोस्टपेड के अंदर अगर किसी कस्टमर से पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू दोस्तों पेमेंट लेता है तो मर्चेंट को यहाँ पर चार्जेस जो हैं पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जब देखा मुझे चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपने पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहता हूँ किसी मर्चेंट किसी भी कस्टमर से या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है पेटीएम पोस्टपेड। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ब्लू टिक, तो यहाँ पर इस ब्लू टिक से मैंने दोस्तों यहाँ पर इसको जो है बंद कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया कि डू यू वॉन्ट टू डिसेबल पेटीएम पोस्टपेड। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अब दोस्तों मेरे मर्चेंट QR कोड पर, जो मेरा मर्चेंट QR कोड है, उससे अगर कोई भी पेटीएम पोस्टपेड से पैसे ट्रांसफ़र करने का ट्राई करेगा तो उसकी पेमेंट फेल हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने डिसेबल क्यों करा, दोस्तों यहाँ पर कस्टमर जो है पेटीएम पोस्टपेड से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो पेटीएम पोस्टपेड से अगर कस्टमर ट्रांजेक्शन करेगा तो पैसे मर्चेंट क्यों भरेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अब देखिए, आप लोग जानते हैं पेटीएम पोस्टपेड के 3 अकाउंट है, डिलाइट, लाइट और दोस्तों इलाइट। यहाँ पर मिनी लाइट और डिलाइट। अब यहाँ पर दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड वाले डिलाइट अकाउंट को छोड़कर मिनी और लाइट वाले अकाउंट से भी चार्जेस जो हैं वो लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मतलब पेटीएम वाले एक तो जो कस्टमर है पेटीएम पोस्टपेड का उससे भी लेंगे और जो मर्चेंट है उससे भी चार्जेस लेंगे, तो डबल चार्जेस यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड वाले जो है दोस्तों अपने कस्टमर से ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मर्चेंट क्यों पे करे, जब सामने वाली पार्टी पेटीएम पोस्टपेड ट्रांजेक्शन कर रही है तो मर्चेंट क्यों पेमेंट भरे भैया, मर्चेंट क्यों चार्जेस भरेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अपने पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट से मतलब अपनी पेटीएम मर्चेंट वाली ऐप से पेटीएम पोस्टपेड से पैसे लेना जो है बंद कर दिया है। बाकी आप लोगों की दोस्तों क्या राय है इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के इंस्टेंट अप्रूवल लिंक मिल जाएंगे, जहाँ से दोस्तों बहुत सारे लोगों को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स के अप्रूवल मिल रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन को खोलिए और अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के इंस्टेंट अप्रूवल लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।